I wish you all a very happy new year. Depend on discipline, count on confidence. Joyful be the journey, fulfilling be the fate. Year 2022. Today is 1st of January 2022, day number one. The key to show up, work hard. The key is to show up, work hard, and love yourself. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इटेंट टॉपिक्स रैपिड जी के आंसर हैं बेंगलुरु में है लालबाग बोटेनिकल गार्डन कीनिया नेरूबी में है यू एन हैबिटेट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है चेरी ब्लॉजम फेस्टिवल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज लोकेट इन छत्तीसगढ़ आज के सवाल हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज रिलेटेड टू तो विच स्पोर्ट्स द पास दैट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत इज वॉट इन इंडिया विच कोस्ट विच कोस्ट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विच वन इज द हाइएस्ट पीक इन अरावली रेंज सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो है Misconceive मतलब गलत धारणा होना फेल टू अंडरस्टैंड करेक्टली मिस इंटरप्रेटेड ऑल्टरकेट का मतलब होता है विवाद करना डिस्प्यूट और आर्ग्यू नॉइजली एंड पब्लिकली Insinuate का मतलब होता है इशारा करना सजेस्ट और hint इन एन इनडायरेक्ट एंड अनप्लेजेंट वे परनीशियस मीन्स हानिकारक हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट एस्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे एडोरेशन का मतलब होता है आराधना डीप लव एंड रेस्पेक्ट डिवोशन सो ये वोकेबलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो तो दिस इज द हिंदू जनवरी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लेट कि जो आंसर राइटिंग है लेट डू इट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे सो so दैट जो सैटरडे एंड संडे वीकेंड है उसमें आप कंसोलिडेट कर पाओगे प्लस मेरे लिए भी इजी हो जाएगा टू मेक अदर वीडियोस लाइक एन और हमें सी सेट का भी स्टैंड अलोन सीरीज अभी स्टार्ट करना है ओके सो लेट इस डू आंसर राइटिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑनली और सैटरडे एंड संडे को रिविजन करना है और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो हम इन दो दिनों पर कवर करने की कोशिश करेंगे ओके okay? प्लस और भी जो दूसरी सीरीज है वो भी इस वीक में आई एल टेल यू हम स्टार्ट करते हैं उसे ऑल राइट सो दिस इज सैटरडे जनवरी फर्स्ट टू ये द हिंदू है और ये एक इंडियन एक्सप्रेस है जो टाइमिंग है आई एम ट्राइंग लेटेस्ट ट्राई कि हम इसको अर्ली मॉर्निंग ट्राई दिस न्यूज़पेपर वीडियो लाने की कोशिश करते हैं ओके सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट जो न्यूज है वो है डिसओरिएंटेशन ऑफ क्रू इन पुअर वेदर लाइकली कॉज ऑफ क्रैश तो इधर स्पैक्यूलेशंस हो रहे थे कि जो सी का हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कैसे हुआ स्पेकुलेशंस में बहुत सारी थ्योरीज थी बट हम वेट कर रहे थे कि ऑफिशियल जो ट्राई सर्विस प्रोब है वो प्रोब डिटेल्स जाके फाइंड करे और फिर अपनी फाइंडिंग्स शेयर करे तो वो ट्राई सर्विस जो प्रोब है वो कम्प्लीट हुई और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आउट हुई है अब इसका लीगल रिव्यू है अ ऑफ सबमिशन तो फाइंडिंग में ये पाया गया कि जो एरिया था वहाँ पे नो डाउट फॉग ज़्यादा था और कई बार क्या होता है पायलट को मिस कैलकुलेशन हो जाता है मिस कैलकुलेशन इन द सेंस कि अभी हेलीकॉप्टर कितनी हाइट पर है ग्राउंड से बिकॉज वेदर लाइक वेदर डिफरेंट होता है वेदर डिफिकल्ट होता है कई बार नीचे वाटर या फॉग टाइप सिचुएशन होती है तो डिसओरिएंटेशन हो जाता है क्रू या फिर पायलट का तो प्रॉबेबली दिस इज़ द रीज़न कि वहां पर पायलट को से डिसंटेशन हो रहा है उसको करेक्टली आइडिया नहीं हो रहा है वहां के ट्रेन का तो हेलीकॉप्टर क्या होता है जो एडजॉइनिंग एरिया है जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज हैं या फिर कोई पहाड़ है इससे अक्सर हेलीकॉप्टर का टकराने का चांसेस होता है तो प्रोबेबली दैट्स वॉट हैपन इन दिस केस तो ये ट्राई सर्विस इंक्वायरी थी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ था नीलगिरी में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ट्रेवल कर रहे थे तो गया, Terrain, CFIT, अब इसका क्या मतलब होता है तो एविएशन एक्सपर्ट्स बोलते हैं सी एफ आई हैपन होता है कंट्रोल्ड फ्लाइट इन हैपन होता है जब पायलट फुल कंट्रोल है एयरक्राफ्ट का बट सिचुएशनल अवेयरनेस में डिफिकल्टी हो गई मतलब पायलट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है सराउंडिंग सरकमस्टेंसेस सराउंडिंग सिचुएशंस का सो ऑल दो पायलट फुल कंट्रोल में हेलीकॉप्टर का स्टिल बिकॉज लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस एक्सीडेंट्स होते हैं तो प्रॉबेबली एयरक्राफ्ट ने स्ट्राइक किया टेरेन को इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो तो करेक्ट ऑर्डर में नजर आ रहे हैं डिसओरिएंटेशन पुअर वेदर के कारण शायद ये डिफिकल्टी आई है लीकॉप्टर तो था इसने लॉस्ट कॉन्टेक्ट है ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड एट पी एम कन्नूर के पास में यहाँ पे इसके रैकेजेस मिले तो जो अर्ली अर्ली फाइंडिंग्स हैं वो ये है कंट्रोल्ड फ्लाइट इन टू टेन कंट्रोल्ड फ्लाइट इन टू ट्रेन तो फ्लाइट इंक्वायरी ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी देखा कॉकपिट कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी देखा एफडीआर और सीवीआर ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं ब्लैक बॉक्स में ब्लैक बॉक्स भी एक मिसनोमर है ब्लैक बॉक्स एक्चुअली में ऑरेंज कलर का होता है दिस इज एफ डी आर एंड सी वी आर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो इन दोनों ने आइडेंटिफाई किया कि इंस्ट्रूमेंट्स में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था जो प्रॉब्लम हुआ है वो हुआ है सी एफ आई टी सिचुएशनल अवेयरनेस फॉल्टी सिचुएशनल अवेयरनेस तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर थे यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है सी का मतलब होता है अन इंटेंशनल कोलिजन विद ट्रेन ट्रेन कुछ भी हो सकता है जहां पे हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है बीट लाइक ग्राउंड माउंटेन या बॉडी ऑफ वाटर बॉडी हो गया या कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो पायलट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो कॉप्टर उससे क्रैश हो जाएगा एयरक्राफ्ट इज अंडर पॉजिटिव कंट्रोल बट स्टिल सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं होने के कारण पायलट यहाँ पे कॉप्टर को उससे क्रैश कर देता है तो प्रॉबेबली दिस वॉज द कॉज जिसके कारण ये डेडली एक्सीडेंट हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश अब जो सेकेंड है वो है जी एस टी काउंसिल डिफर्स डिफर्स मतलब टालना टैक्स रेट इंक्रीज ऑन टेक्सटाइल गुजरात वेस्ट बंगाल दिल्ली तमिलनाडु हैड अपोज द हाइक तो ये वेलकम मूव है क्योंकि जो टेक्सटाइल है टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा कपड़ा उद्योग में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी होता है इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर इसको जी एस टी पाँच परसेंट बारह परसेंट ऐसे स्लैब चेंज करने की बात थी तो उससे नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते थे दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो आवर्स बिफोर द न्यू जी एस टी रेट वॉज टू टेक इफेक्ट जी एस टी काउंसिल जी एस टी काउंसिल क्या होती है ये एक बॉडी होती है जिसमें सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं और स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये डिसीजन लेती है जी एस टी इम्प्लीमेंटेशन रोल आउट एट्सेट्रा का तो जीएसटी काउंसिल ने टेम्परली रोल बैक कर दिया है इंक्रीज इन टैक्स रेट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर तो ये बात हुआ फ्राइडे को प्रॉबेबली जो प्रोविजन पहले अनाउंसमेंट हुआ था उसमें बारह प्रतिशत करना था वो अब नहीं होगा अब पाँच प्रतिशत के ए सी कंटिन्यू होगा तो जो क्लोदिंग्स महंगे होने वाले थे वो फिलहाल के लिए टल गया है फुटवेयर में भी सिमिलर डिमांड आ रही है दिस जीएसटी ब्रैकेट का तो ये ऐसी बात आती है कि किस स्लैब में कौन से प्रोडक्ट को रखना है तो टेक्सटाइल को फिलहाल लोअर स्लैब में ही रखा जाएगा जीएसटी की कितनी स्लैब्स होती है आंसर ऐसे स्लैब्स है अलग अलग टैक्स रेट होता है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो इसकी स्लैब्स कौन सी है आंसर ये दिल्ली रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं ये नीट की जो काउंसलिंग थी उसके डिले के कारण स्ट्राइक कर रहे थे ये जो स्ट्राइक है ये कॉल ऑफ हो गया है कॉल ऑफ कॉल ऑफ का मतलब है फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर दिया है रीजन क्या है ओमिक्रॉन का राइजिंग थ्रेट तो डॉक्टर्स का ऑलरेडी शॉर्टेज है तो इसीलिए डॉक्टर्स ने बिकॉज ऑफ दिस टाइमिंग अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया है ओमिक्रॉन सर्ज स्ट्रेचेज अ सेंट्रल जीनोम लैब अब ये जो वायरस होता है ना इसका जीनोम सिक्वेंसिंग किया जाता है इसका स्टडी किया जाता है कि ये कौन सा वेरियंट है तो इसी से हम पता लगाते हैं कि कौन सा वेरियंट कॉज ऑफ कंसर्न है किस वेरियंट का ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है लाइक like दैट तो ओमिक्रॉन का सर्च स्ट्रेच सेंट्रल जीनोम लैब तो हमारे यहाँ जो जीनोम लैब है वैसे भी बहुत ज्यादा नंबर तो है नहीं और केसेस बहुत आ रहे हैं जीनोम लैब में तो इसीलिए यहाँ पे जो जीनोम लैब है इनकी शॉर्टेज फील हो रही है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यहाँ पे बताया ये इस लैब को गवर्न करता है तो वायरस की सीक्वेंसिंग करने का हमारा कैपेसिटी अभी लिमिटेड है कीपिंग इन व्यू द सर्ज इन केसेज इंक्रीज फ्लो ऑफ सैम्पल्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो है उसके लिए हमें ज्यादा लैब्स की रिक्वायरमेंट है अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एफ हमने एफ पे भी आंसर राइटिंग कर लिया एन पे भी कर लिया एफ सी आर ए लाइसेंसिस ऑफ एन जी ओ एक्सटेंडेड बाय थ्री मंथ तो बात थी थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर को ये लाइसेंस ओवर हो रहे थे रिन्यूवल अगर नहीं हुआ तो बट अब इस रिन्यूवल लाइसेंस का डेडलाइन तीन महीने और बढ़ा दिया मार्च तक का टाइम दे दिया है तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसे एक्सटेंड करने की बात किया एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन एन जी ओ का एनजीओ में कल ही हमने देखा एनजीओज आर इम्पॉर्टेंट एनजीओज बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर वर्क भी करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑल एन जी ओज आर नॉट बैड अगर ऐसा फाइल वर्क में या फिर लाइसेंस परमिट लाइसेंस के रिलेटेड चैलेंजेस के कारण अगर एन जी ओज का लाइसेंस रिन्यूबल नहीं हुआ फॉरेन फंडिंग नहीं आया तो ये फंडिंग की क्रंच के कारण ये अपना काम नहीं कर पाएंगे और वैसे ही हमारी इकोनॉमी बड़ी डिस्ट्रेस में है एसेंशियल जो वर्क है लाइक फिलंथ्रॉपिक वर्क है या फिर ह्यूमैनिटेरियन वर्क है वो डिफीट हो जाएगा एनजीओ अगर ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप वर्किंग सो दैट इज वाई ये जो एक्सटेंशन दिया गया है दिस इज अ गुड थिंग वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि एन जी ओ को प्रमोट करना है बट एट द सेम टाइम जो चैलेंजेस हैं जो मिसयूज होता है लूप होल्स हैं इसको भी प्लग करना जरूरी है एक प्रॉपर रेगुलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए बट वो डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करे इन द ऑपरेशन ऑफ एन जी ओज सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब जो नेक्स्ट है इसका मतलब है टेक टू टास्क मतलब पुलिस को थोड़ा डांट पड़ा है और स्पीडली और इफेक्टिवली आप अपना काम करो देन प्रॉस्परस न्यू ईयर रेसिडेंट डॉक्टर्स कॉल ऑफ प्रोटेस्ट जॉइन ड्यूटी पुलिस ने कैंसल भी कर दिया है एफ आई आर बट जो प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है प्रॉब्लम क्या है एग्जाम्स टाइम पे होने चाहिए रिजल्ट टाइम पे आने चाहिए और ज्वाइनिंग टाइम पे होनी चाहिए अ क्वाइट बिगनिंग टू द न्यू ईयर ये पुलिस बैरिकेड्स भी थे क्राउड कंट्रोल मेजर है बिकॉज न्यू ईयर ई राइजिंग कोविड नाइनटीन केसेस जज इज हेल्प सेव लाइव ज्यूरिंग कोरोना कई बार जजेस ने जो स्टेटमेंट्स दिए या फिर जजेस ने जुडिशरी ने जो ऑर्डर दिए ओवरऑल नेचुरल जस्टिस के लिए तो वो काफ़ी हेल्प थे दिस कोरोना पीरियड में जैसे माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड हुआ सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड हुआ कल हाई कोर्ट के कुछ केसेस देखे थे जैसे स्ट्रे डॉग्स पे हुआ राइट टू तो हेल्थ केयर भी राइट टू लाइफ है लाइक दैट सो तो दिस इज जुडिशरी क्स्ट है वोटर्स वोट बी आउटसाइडर यूज गोवा एज लैब वेलफेयर स्कीम फॉर वर्कर्स हैंगिंग फायर हैंगिंग फायर तो जो वेलफेयर स्कीम्स है इम्प्लीमेंटेशन इज अगेन द प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों है बिकॉज अनऑर्गेनाइज वर्कर को टैप करना बहुत डिफिकल्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर सर्वे पोर्टल रैंक अमंग द गेन्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जिस तरीके से आज गिग इकोनोमी का राइज हो रहा है तो ये एक और चैलेंज बना हुआ है ये आर आर टी एस है कुड हिट द ट्रैक सूनर देन एक्सपेक्टेड ये बात है रैपिड ट्रांसपोर्ट का रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्बन प्लानिंग में हमने टॉपिक देखा था जो क्विक मूवमेंट है क्विक कॉम्यूटेशन है क्विकली लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में कॉस्टली वे में एफिशिएंट वे में ये प्रायोरिटी रहती है अर्बन प्लानिंग की तो उसमें ये आरआरटीएस आता है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बताया कि जैसे सराय काले खां डेवलप हो रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क फुल स्विंग में चल रहा है यहाँ पे दिस क्विक ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे प्रोसेस देने का ऐसी इंटीग्रेटेड भी होता है इंटीग्रेटेड मतलब जैसे फीडर बसेस चलती है मेट्रो हुआ मेट्रो से फिर बसेस हुआ ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर कर पाए इंटर कनेक्टिविटी भी हो रेलवेज का मेट्रो से फिर बस से लाइक दैट देन दिस इज स्टेट स्टेट न्यूज लाइट अमिट द डार्क ये बांद्रा वर्ली सी लिंक है न्यू ईयर ईव फ्राइडे वेरी ब्यूटिफुल दिस इज needless प्रोवोकेशन चाइना की ये बैड हैबिट है और ये कंटिन्यू हो रही है बैड हैबिट क्या है चाइना इस टाइप से प्रोवोक करने की कोशिश करता है इंडिया को कैसे ये जो अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है चाइना बोलता है ये साउथ तिब्बत है और यहाँ के कुछ प्लेसेस का वो अपने मैप में दिखाता है उसका नाम चेंज कर देता है लाइक दैट तो दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोवोकेशन इंडिया चाइना मस्ट एडहेयर टू पास अग्रीमेंट्स टू कीप द पीस अलॉन्ग द बॉर्डर पीस एनश्योर होना जरूरी है एट द सेम टाइम जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इससे रिलेटेड आंसर में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें आगे हम कुछ पासिस भी देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में द आइडिया इज वी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट जो हमारी सोबेनिटी है हमारी लैंड है हम उसको प्रॉपरली सेफ कर पाए अदरवाइज चाइना का ये हैबिट है डुबियस ट्रैक रिकॉर्ड है वो लैंड ग्रैब टैक्टिक करता है लाइक like दैट एक पुराना मैप लाएगा नए नाम बताएगा बिलोंग्स टू चाइना और उसके कारण फिर टेंशन होते हैं सो दिस इज दैट ऑल दो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि अभी देखते हैं चाइना के बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता है असैसमेंट वो वहां पर कर रहे हैं स्टेटमेंट इन रेस्पॉन्स टू मूव दैट अजाइनिंग इनवेंटेड नेम विल नॉट ऑल्टर एनी फैक्ट ऑन द ग्राउंड अरुणाचल का स्टेटस है एज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अरुणाचल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया चाइना के बोलने से कुछ नहीं होता है देन ये बात है पासिस प्लेसेस जो अरुणाचल है जिससे दलाई लामा जी इंडिया में आए थे जब वो चाइना तिब्बत से दिस इंडिया उन्होंने शिफ्ट किया था तो ये सारे जो एरिया हैं नॉट ओनली प्लेसेस बट यहाँ पे माउंटेन्स है रिवर्स है पासिस है इन सब का चाइना अपना चाइनीज नेम बताता है और ट्राइंग टू शो कि दिस एरिया बिलोंग्स टू चाइना विच इज रॉन्ग अब इसके बैकड्रॉप में जो हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम सेफ करें अपनी टेरिटोरी हम कैपेसिटी बिल्ड करें विद इन चाइनाज सुटी तो चाइना जो है ये अगेन बीजिंग रेजिंग द मैटर एट यू कश्मीर में भी इशू है गलवान क्राइसिस भी हुआ है तो 2022 में भी ऐसा कुछ सॉल्यूशन दिखता नज़र नहीं आ रहा है चाइना की जो टैक्टिक है वो ये है बाय टाइम डेवलप कैपेसिटी स्ट्रैटेजिकली वो यहाँ पे खुद को स्ट्रेंदन कर रहा है तो इंडिया को भी सेम स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए स्ट्रेंदन अवर सेल्फ स्पेशली बॉर्डर एरिया में सो so दिस इज बाकी डिप्लोमेटिकली टॉक्स भी हो एट द सेम टाइम मिलिट्री लेवल पे भी वी शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड दिस इज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट अब यहाँ पे अगेन स्पेक्यूलेशन है ओमिक्रॉन का थ्रेट बढ़ रहा है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है स्केल की होती है इतने लार्ज स्केल में अगर बहुत माइल्ड डिसीज में भी लोग बीमार होंगे तो देर विल ऑलवेज बी अ थ्रेट कि वायरस फर्दर म्यूटेट हो जाए या फिर इतने सारे लोगों को हमारा हेल्थ केयर अकोमोडेट नहीं कर पाए सो दीज आर चैलेंजेस सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एन अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन द जुडिशरी यहाँ पे कुछ पॉलिटिकली पॉइंट्स भी हैं और कुछ रेगुलर पॉइंट्स भी हैं कि जैसे जुडिशरी होता है अभी का जो जुडिशरी है ना ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ जुडिशरी है जैसे हमने डाइसीज़ के लॉज देखे थे डाइसी के लॉ टॉक्स सीरीज भी हमें रिज्यूम करना है आई एल डो इट ओके डाइसी के जो लॉ थे वो ये थे रिगार्डिंग डाइसी ने जैसे रूल ऑफ लॉ बोला था है ना तो इन सब चीज़ों पे नियम के हिसाब से जो कानून व्यवस्था बनी थी वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ जुडिशरी हुआ अब बात ये आती है कि ये जो जुडिशरी है इसमें वेस्टर्नाइजेशन है वेस्टर्नाइजेशन लाइक like, डाइसी वॉज नॉट इन इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स नहीं था मॉन्टेस्क्यू क्यू इंडियन कॉन्टेक्स नहीं था तो इससे क्या होता है अगर हम जुडिशरी का इंडियनाइजेशन करेंगे तो हो सकता है वो इंडियन एस्पेक्ट में बेटर डिसीजन मेकिंग बेटर जस्टिस डिलीवर हो पाए बट एट द सेम टाइम इसमें एक खतरा ये होता है कि इसमें हम जो रिलीजियस बिलीव्स हैं एंड ऑल उसके कॉन्टेक्स्ट में हम चले जाते हैं और जुडिशरी अपना पर्पस डिफीट करने लगती है तो ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन द जुडिशरी है लेट एस वेट इस पर अभी थोड़ा और वेट करते हैं इस टॉपिक पे दैन वैक्सिन बूस्टर्स एंड सम हार्ड टॉक यहाँ पर भी एक थ्योरी है कि जो वैक्सीनेशन है उसका अप्रूवल कैसे मिला कोवैक्सिन का अप्रूवल कैसे मिला बूस्टर डोज देना है या नहीं देना है ऑल दीज टॉक्स इसको भी स्किप करते हैं देन इनसाइड केरला स्पायरल ऑफ रिवेंज दिस इज पॉलिटिक्स टैक्स अनोमली फाउंड इन टू चाइनीज फोन फॉर्म टैक्स अनोमली अनोमली मतलब टैक्स से रिलेटेड उन्होंने दिस लै लकून उन्होंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया है देन दिस इज़ सी बी आई एन एच आई एफ सी आर ए दैन दिस इज़ पॉलिटिकल दलाई लामा जी इज़ गार्ड इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन एस्केप इज़ नो मोर जो दलाई लामा जी को गार्ड करके इंडिया में लाए थे जब वो तिब्बत से एस्केप किए थे दिस रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड ऑल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन वेरियंट इसमें जो एस जीन है उसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा मॉडिफाइड दिस टेस्ट की ज़रूरत है विंटर ऑफ लाइवली टूरिज़म वॉम्स कश्मीर कॉकल्स इसका मतलब है कश्मीर में गुलमर्ग पहलगाम ये बहुत ब्यूटिफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कोविड का थ्रेड भी है बट स्टिल यहाँ पर टूरिज़म का अभी इंटेक देखने को मिल रहा है बुकिंग्स अच्छी है जेड मॉल टनल अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था जिससे ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल गई है स्कीइंग यहाँ पे होता है गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे होता है दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल चीयरफुल हॉलीडेज तो जम्मू एंड कश्मीर की जब भी बात आती है यहाँ का जो टूरिज्म है टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें बताना चाहिए जिससे क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है और टूरिज्म भी टेक्सटाइल की तरह है टूरिज्म में अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ना तो मास नंबर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एस आई आई अप्लाइज फॉर फुल मार्केट ऑथराइजेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी देन यहाँ पे बाइडन एंड पुतिन ट्रेड वार्निंग ओवर यूक्रेन यूक्रेन में क्या चल रहा है पुतिन मतलब रशिया इन्वेजन की बात है और यूएसए बाइडन उसको वार्न कर रहे हैं श्रीलंका टू इंक पैक्ड विद इंडिया टू डेवलप ऑयल तो अर्थ so ऐसा है ना तो जो ईस्ट की तरफ रहता है उधर सनलाइट पहले आती है तो यहाँ पे न्यू ईयर जल्दी हो जाता है लाइक ऑस्ट्रेलिया में या फिर दिस सिंगापुर एशियान कंट्रीज लाइक दैट वेलकम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू साउथ अफ्रीका ने कहा ओमिक्रॉन वेव हैज पीक्ड नो सर्ज इन डेथस एंड हॉस्पिटलाइजेशन सम रिलीफ करंट अकाउंट स्लिप हुआ डेफिसिट इन क्वार्टर टू करंट अकाउंट स्लिप हुआ दिस इज नॉट राइट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है इसके बहुत सारे रीजनज है एक तो हमारा इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है दूसरा रुपी भी वीकन हो गया एक्सपोर्ट हम सफिशेंटली कर नहीं रहे तो इसीलिए ये हम डेफिसिट में आ जाते हैं ट्रेड डेफिसिट होता है चाइना के साथ बड़ी प्रॉब्लम है हम जो ट्रेड बैलेंस है वो सीवियरली स्क्यूड है इंडिया के फेवर में नहीं है कोर सेक्टर आउटपुट 3.1 परसेंट राइज हुआ क्रूड एंड सेंट्रल सीमेंट बक ट्रेंड फॉरेन ओन्ड एसेट इंडिया में 37 बिलियन राइज हुए हैं आरबीआई का डेटा इंडियन रेसिडेंट ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स इतना बिलियन बढ़ा इसका डेफिसिट नैरो हुआ है CCI ऑर्डर प्रोब अगेंस्ट एप्पल फॉर अनफेयर प्रैक्टिस एक्चुअली इनका जो ऐप होता है इको सिस्टम होता है इसमें मोनोपोली की भी बात होती है जो अनलिज डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनसे ये कट भी लेते हैं जैसे कोई एप्लीकेशन आप एप्पल स्टोर से खरीद रहे हो प्ले स्टोर से खरीद रहे हो तो इस उसका एक कट इको सिस्टम एप्पल को भी जाता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे अक्सर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है देन जीएसटी टेक्सटाइल सेक्टर लास्टिंग सोल्यूशन टू निगल तो फाइनली अभी तो उसको पोस्टपोन कर दिया है बट अगेन टेक्सटाइल सेक्टर में किस स्लैब में रखते हैं रिवैम का क्या बात होता है ये देखने वाला होगा टेक्सटाइल सेक्टर में इतना फोकस इसलिए होता है बिकॉज टेक्सटाइल मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है वीट का एक्सपोर्ट जम्प हुआ एट सेवेंटी टू मिलियन बांग्लादेश टॉप डेस्ट टॉप डेस्टिनेशन है देन द्रविड्स ओवरसीज कैंपेन दिस इज स्पोर्ट्स और 2022 रेज अ टोस्ट एंड दिस स्टार्टिंग विमेन आईपीएल भी होना चाहिए आईपीएल जैसी चीज़ों से क्या होता है बहुत सारे प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली प्लेटफॉर्म मिला फाइनेंश भी उनके बेटर हुए ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए इट इज़ गुड देन दिस इज पिक्चर दिस दिस इज साइक्लिंग स्टीप चेज तो ये तो था दिंदू न्यूज पेपर अब हम क्विकली देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस को तो जो फर्स्ट न्यूज़ है इसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स ओमिक्रॉन इफेक्ट माइल्ड होगा बट हमें और स्टडी करने की ज़रूरत है पैनिक नहीं करें और आइसोलेटेड रहें और कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें रिपब्लिक डे होने वाला है तो ये रिपब्लिक डे परेड का रिहर्सल चल रहा है न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली सेंट्रल विस्टा नीट पीजी का डिले है बट रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ओमिक्रॉन का थ्रेड देखते हुए स्ट्राइक को वापस ले लिया है चाइना एंड पाकिस्तान फर्स्ट एस फोर हंड्रेड यूनिट डिप्लॉयड इन पंजाब एस फोर हंड्रेड एस फोर हंड्रेड हमने रशिया से लिया है मिसाइल दिस जो आ रही है इनकमिंग उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है ये एस फोर हंड्रेड मिसाइल सिस्टम बट इसमें भी देखने में आया था कि इसराइल वगैरह ने इसका भी एक लूप होल फाइंड कर लिया है तो एस फोर हंड्रेड क्या इतना इफेक्टिव होगा या नहीं लेट सी बट फॉर नाउ ये अभी हम चाइना एंड पाकिस्तान तो पंजाब जो बॉर्डर है वहां पे हमने इसको डिप्लॉय कर दिया है मोस्ट एडवांस्ड इसे माना जाता है एस फोर का ये एयर डिफेंस बबल है रॉकेट मिसाइल क्रूज मिसाइल इवन एयरक्राफ्ट जो भी अगर इनकमिंग है हवा से आ रहा है ये उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देगा केपेबल इतना है सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज अब ये नेक्स्ट पेज है डेली कोविड केसेस बढ़ रहे हैं ये है स्पेशल इनिशिएटिव माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज का माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज तो ये है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज माइक्रो फूड जैसे कि लाइक पापड़ हुआ पिकल्स हुआ ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग है तो इधर फॉर्मलाइजेशन की बात है क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात है सो दिस इज देयर सब्सिडी एंड ट्रेनिंग टेक्निकल सपोर्ट होगा तो फॉर्मल वे में अपना वो बिजनेस ग्रो कर सकते हैं दिस इज द आइडिया ये यू है यू में इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है मेंबरशिप है दो साल की और यह एक रिजोल्यूशन था रिन्यू करना था सी को वॉट इज सी टी सी काउंटर टेररिज्म कमिटी 2022 इंडिया चेयर कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दिस चेयर का रिन्यू कर रहा है मैंडेट ऑफ द सी टी सी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसका रिन्यू कर रहे है यस yes, त्रिमूर्ति साहब हैं यहाँ पे यूएन एन एम्बेसडर इन्होंने बताया इंडिया विल चेयर काउंटर टेररिज्म कमिटी सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2022 फॉर वन ईयर तो इससे क्या हुआ अभी जो 2022 में टेररिज्म रिलेटेड जो भी है उसमें इंडिया का से बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज हम यूएनएससी में भी है और काउंटर टेररिज्म जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट है उसको भी हेड कर रहे हैं बाकी इंडिया ने ये बोला टेररिज्म ऑल सॉर्ट sort ऑफ of टेररिज्म को कर्ब करने की जरूरत है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको भी चेक करना चाहिए ये है हैप्पी न्यू ईयर 2022 टू थाउजेंड ट्वेंटी पीपल विल स्पीक पॉवरफुल जो ईयर होता है ना ये बहुत एक अच्छा टाइम होता है नई शुरुआत करने का सो दैट इज वाई यू ऑल्सो मेक सर्टन रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन बनाओ कि और बेहतर क्या हो सकता है से स्टडी के लिए रिजोल्यूशन बनाओ एग्जाम्स रिलेटेड रिजोल्यूशन बनाओ अपने और फिटनेस लेवल फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ कोई एक्टिविटीज सीखो करिकुलर सीखो वर्क में सोचो कैसे प्रोग्रेस हो सकते हैं लाइफ फैमिली एटसेट्रा मेक रिजोल्यूशन। न्यू ईयर इज अ वेरी गुड टाइम टू मेक न्यू ईयर टू मेक अ न्यू बिगनिंग ओके सो डू इट देन चैलेंजेस तो होते ही हैं लाइफ का मतलब चैलेंज है बट लाइफ का मतलब ये भी होता है चैलेंजेस को ओवरकम करना गोइंग फॉर गोल्ड तो पैंडमिक के शेडो में 2021 में तो ओलंपिक बहुत अच्छा हुआ और दूसरे स्पोर्ट्स में भी हमने देखा हमने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया अब ये जो नए स्टार्स मिलते हैं ना अभी कॉमनवेल्थ भी है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जो नए फ्रेशर्स हैं वो भी आए और स्पोर्ट्स को आगे कैरी करें दी आइडिया इज स्पोर्ट्स स्पोर्टिंग नेशन जो है वो लॉन्ग ओवर ड्यू है इंडिया को इस मैंडेट को अभी ओन करना चाहिए स्पोर्टिंग नेशन ह्यूज पोटेंशियल है एथलेटिज्म में भी एंड ऑल वी नीड टू डू बेटर और बचपन से ही एक कल्चर डेवलप करें स्पोर्ट्स का दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जैसे एन ई पी जो था एजुकेशन पॉलिसी उसमें भी का स्पोर्ट्स जो है वो बहुत असेंशियल पार्ट होता है स्कूलिंग एंड कोकरिकुलम स्कूलिंग करिकुलम का हिअर्स टू होप ये बात है न्यू ईयर की ई रेज अ टोस्ट एवरीबडी हैज़ देयर रीजनस न्यू ईयर में हम ये भी करें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बने कम हो जजमेंटल ट्राई टू बी कम्पैशनेट एम्पैथिक एवरीबडी हैज़ देअर रीजन्स लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ प्लेइंग इन डिफिकल्ट टाइम्स स्पोडियम वगैरह अब जैसे स्पोर्ट्स वगैरह था इधर भी डिफिकल्टी हुआ ज़्यादातर स्पोर्ट्स कैंसल हो गए या फिर केवल ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है तो नॉर्मल से आए लेटेस्ट होप द ईयर ऑफ नॉइज स्पीच एंड साइलेंस था ये जो साल था इस पर भी हमने बात किया है कि फ्रीडम जो है राइट टू फ्रीडम आंसर राइटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच बट एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच इज क्वालिफाइड द ईयर ऑफ नॉइज स्पीच एंड साइलेंस अ सिटी दैट फॉरगेट इट्स गॉडेस द न्यू लेसन प्लान एजुकेशन पे बहुत एम्फेसाइज करने की जरूरत है एंड दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डू इन 2022, Then, South India records, अब इसमें आपने इंडिया राइटिंग किया ना नॉर्थ ईस्ट तो परसेंट सरप्लस आया इधर यहाँ पर सरप्लस ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जैसे ये मरीना बीच है फ्लडेड हो गया इनसे रेनफॉल का तो ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून तो ये सारे कोस्टल एरियाज में यहाँ पे ऐसे ये हुआ देन ये फायर हो रहे हैं सिडनी में न्यूयॉर्क म्यूटेड रहा ओमिक्रॉन के थ्रेट के कारण श्रीलंका एक्सटेंड लोन स्ट्रैटेजिक वर्ल्ड वॉर टू ऑयल टैंक त्रिकोणा वापस रिवैम्प हो रहा है बाइडन एंड पुतिन ईरान स्पेस एम्बिशन भी रख रहा है न्यूक्लियर एम्बिशन भी रख रहा है फ्रांस ने कंसर्न शो किए हैं ब्रेक थ्रू इन बैटरी टेक अब जैसे हम ईवीज भी ला रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रॉब्लम क्या है बैटरी कॉस्टली है बैटरी का डिस्पोजल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता और इसमें क्या होता है डिटीरियोरेशन भी होता है बैटरी में तो हम ऐसा कुछ करें कि इसकी रेंज भी बढ़ जाए क्वालिटी भी बेटर हो कॉस्ट भी कम हो जाए और एफिशिएंसी बेटर हो बैटरी बेसिकली क्या होती है केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें एक एनॉड होता है एक होता है कैथोड और फिर ऐसे कोई इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सो द पॉइंट इज ये पूरा मैकेनिज्म ऐसे बनाएं कि जैसे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की बजाय हम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट कर दें क्वांटम स्केप सॉलिड स्टेट बैटरी का भी बात है लिथियम मेटल जो है वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा जो दो इलेक्ट्रोड को सेपरेट करेगा तो इससे जो वियर एंड टीयर जो होगा बैटरी का वो कम हो जाएगा और इस तरीके की बैटरी व्हीकल कॉस्ट रिलायबिलिटी सब जगह बेनिफिशियल होगी तो ये शेयर होल्डर्स हैं हर कंपनी आज की डेट में बड़े बड़े ग्रुप्स हैं फोक्स वैगन हुआ इवन टाटा टेस्ला एवरीबडी आर इन्वेस्टिंग हैवीली इन बैटरी टेक्नोलॉजी तो ये क्वांटम स्केप बैटरी स्टेट एक नया अभी एक्सपेरिमेंट है क्वांटम लीप हो रहा है यहाँ पे आइडिया यहाँ पे ये है कि बैटरी टेक्नोलॉजी को चीपर बनाए और एफिशिएंट बनाए ताकि रेंज वगैरह बढ़ जाए इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अर्लियर एफर्ट्स थे लाइफ साइकिल उसकी कैसे बढ़ाएं ऑपरेटिंग किस टेम्परेचर बिकॉज ज़्यादा ठंड में या ज़्यादा गर्मी में भी बैटरी ऑप्टिमम डिलीवर नहीं कर पाती क्योंकि एक्सेस लिथियम जैसे डिपोजिट हो गया एनोड पे तो इस टेक्नोलॉजी से हम ऐसा बनाएं कि जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है वो मतलब कुछ सॉलिड हो जाए रिएक्शन जो है वो वियर एंड टीयर नहीं हो तो ये अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पे ये वर्क हो रहा है ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है सब एक्सपेरिमेंटल है कोई भी अभी ह्यूज स्केल पे अभी डिप्लॉय नहीं हो रहा है ये टेक्नोलॉजी इट विल टेक सम टाइम बट द आइडिया इज़ की वी आर पुशिंग इन द राइट डायरेक्शन सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं इसके एडवांटेजेस बहुत होंगे जैसे डेंसिटी हायर डेंसिटी की बैटरी होगी रिचार्ज टाइम कम हो जाएगा ज़्यादा चार्ज वो होल्ड कर पाएगा लॉन्गर लाइफ होगी सेफ्टी बढ़ जाएगी बिकॉज बैटरीज में भी एट टाइम्स हम मोबाइल बैटरीज में भी देखते हैं चैलेंजेस होते हैं तो दूसरे फील्ड भी है आयरन एयर बैटरी है टोइटा भी काम कर रहा है एप्पल टेस्ला दिस इज दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टाइम अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पुश यहाँ पे हो रहा है ब्रिज ऑन वर्ल्ड हाइएस्ट रोड एंड सिग्निफिकेंस तो जैसे कल हमने बी आर ओ पढ़ा था जो बॉर्डर इंफ्रा है उसको डेवलप करना है क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस होना चाहिए उसी के कॉन्टेक्स में डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बी आर ओ में चौबीस ब्रिज और तीन रोड यहाँ पे इनोग्रेट किए अभी गिनेस बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों आया बिकॉज फिफ्टी टू किलोमीटर का ब्लैक टॉप टारमेक टारमेक मतलब दिस तार जिससे अपन ये रोड बनती है टारमेक रोड इज इन साउथ लद्दाख में बना यहाँ पर रिसेंटली रिकोगनाइज हाइएस्ट मोटिवरेबल रोड बाय बाई गर्ल्ड रिकॉर्ड हजार फीट पे हमने यहाँ पे दिस वर्क किया रोड बनाया और पास भी बनाया उमलिंग ला उम्लिंग ला नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फीट पे ये इतना मायने क्यों रखता है क्विक डिप्लॉयमेंट होगा फोर्स का तो दैट इज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पर है दिस 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 प्लेस तो डैमचौक और दिस चिशुम्बल को ये उमलिंग लॉ यहाँ पे कनेक्ट करेगा लद्दाख में तो दिस इज गुड वन मोर एग्जांपल जो हम लिख सकते हैं वर्ड्स हाईएस्ट रोड इन सिग्निफिकेंस क्विकर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एट बॉर्डर एरिया ये दो हमारी प्रायोरिटी है और तीसरी है टेक्नोलॉजी जीएसटी काउंसिल ने डिफर कर दिया रेट हाइट हाइकॉन टेक्सटाइल सीसीआई ने बोला एप्पल जो ऐप स्टोर में मोनोपोली एंटी ट्रस्ट है उसको चेक करो रिला आर्म है यू के बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी को बाय करिए सी बैटरी पे पुश करेंट अकाउंट डेफिसिट पोस्ट डेफिसिटेट वन पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी बुमराह वाइस कैप्टन है साउथ अफ्रीका टूअर ओ डी आई में और ये स्पोर्ट्स का कुछ पूरा 2021 का राउंड अप है और 22 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तो ऑडियंस बढ़े जो ऑनलाइन बायोबल टाइप था वो नहीं रियल ऑडियंस मिले जो स्टेडियम में जाके खेले देखे खेलते हुए ईयर ऑफ सक्सेसर है काफ़ी कैप्टनशिप वगैरह भी चेंज हुई देन दिस इज बॉल्स की कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी एक होती है ड्यूक वो ड्यूक की बॉल होती है एस और एक होती है कोकाबूरा जो ऑस्ट्रेलियन करते हैं इन दोनों में स्पिन वगैरह पेस थोड़ा डिफरेंस होता है अक्सर जो विजिटिंग कंट्रीज हैं ट्रैवलिंग कंट्रीज है वो डिमांड करती है कि इस बॉल से खेले या उससे लाइक दैट सॉकर डेजर्ट टाइम टू मिलियन क्लब मीटर क्लब कतर में अभी वर्ल्ड कप होने वाला है और ये नाइनटी मीटर क्लब है ओलंपिक का ड्रेस रिहर्सल क्या हो सकता है कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन बीसीसीआई में हो जैसे आज फिर एक स्टेटमेंट आ गया तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना जरूरी है फॉर वेमेन क्रिकेट शूट एड साइट सोफो मोर मतलब नया स्टार्ट हो रहा है इंग्लैंड एशेज हार गया यंग फोर्सेज अच्छा कर रही है टेनिस में देखते हैं जोकोवे कप डोमेट इतना कर पाता है या नहीं वर्ल्ड कप एवरी टू ईयर की भी बात है फीफा में लेटेस्ट ओलंपिक अभी विंटर ओलंपिक है चाइना पे सेंशन लग रहे हैं यूएस वगैरह डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की बात कर रहे थे लेटेस्टी यहाँ पे क्या होता है ओमिक्रॉन का भी थ्रेट है सो दिस इज ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड वॉट टू एक्सपेक्ट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो ये दोनों आज के न्यूज पेपर हैं द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ